चले सही है ठीक है। अब आप लोग अपनी ओपन करेंगे बुक, उर्दू की बुक ठीक है। पेज नंबर ओपन करें सब टू ठीक है। अलिफ से ये तक लिखे, अलिफ से ये तक लिखना है। इस बुक में आपको फिंदा ब्लैंक्स के तौर पर दी गई हैं ठीक है। अब आपने अलिफ से लेके ये तक पूरी लिखनी है ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दी है यहाँ पे, आप लोग भी लिखेंगे इस कॉपी पे। उसके बाद पेज नंबर आ जाएं थ्री पर, नुक्ते लगाएं। जैसे अलिफ बे आप यहाँ पे पूरी कर लेंगे, इसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नुक्ते लगाने हैं अलिफ से लेके ये तक में। जिस पे नुक्ते लगेंगे उस पे नुक्ते लगाने हैं ठीक है। अलिफ बे, बे के नीचे कौन सा नुक्ता आएगा, बे पे, इसी तरह आगे नुक्ते लगाने हैं आपने। जैसे यहाँ मैंने अलिफ बे पूरी लिख दी है यहाँ पर ठीक है, तो इसको देखते हुए आपने नुक्ते लगाने हैं। अब पेज नंबर आ जाए आगे फोर पे, हर्फ खुशखत लिखिए। ये हर्फ दिए हुए हैं अली बे पे ते टे से, इन्हें खुशखत करके इन पेज पे आपने लिखना है ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हरूफ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन सी हर्फ को कौन सी तस्वीर से मिलाना है ठीक है। देखें अलिफ है तो अलिफ से क्या आता है, अनार, तो हमें अलिफ को अनार से मिला दिया। उसके बाद बे से बताएं, बे से क्या आता है, बे से बतख, जी बे से बतख ठीक है। उसके बाद पे से क्या आता है, पे से पत्ता, पे से पत्ता, पे से पत्ता आता है, पे को हमने पत्ते से मिला दिया ठीक है। उसके बाद ते से तितली, तो ते को हमने तितली से मिला दिया। उसके बाद टे से टोकरी, टे से टोकरी आती है, तो टे को हमने टोकरी से मिला दिया ठीक है। ये मैंने आपको कर दिया है, ऊपर वाला आपने खुद खुशखत करके लिखना है ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में, बुक में। उसके बाद आगे आ जाएं, आगे वाले पेज पे आ जाएं। इसी तरह आगे भी उन्होंने हरूफ दिए हुए हैं, जीम चे हे खे दाल डाल जाल, इनको आपने खुशखत करके लिखना है यहाँ पे अच्छी राइटिंग में ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। उसके बाद दुरुस्त हरूफ को दुरुस्त हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं, मतलब अभी इन्होंने पिक्चर दे दी और नीचे हमें जो है ना हरूफ दे दिए ठीक है। अब वो हरूफ दे दिए हमें, तो हम पिक्चर को देखते हुए हमें ना उस हरूफ पे दायरा बनाना है। अब तरबूज है, अब बे से तो तरबूज नहीं आता, तो ते से तरबूज आता है, तो अब हम क्या करेंगे, ते को हमने सर्कल कर दिया ठीक है। खरगोश, क्या हे से खरगोश आता है, नहीं, खे से खरगोश, जी बिल्कुल, खे को हमने सर्कल कर दिया है, दायरा लगा दिया। दरख्त, दाल से दरख्त होता है या डाल से दरख्त होता है, जी दाल से दरख्त होता है, तो हमने दाल को, दाल के गिर दायरा लगा दिया ठीक है। ये काम आप लोगों ने ऐसे करना है ठीक है। उसके बाद अब आप अपनी ओपन करेंगे मैथ की बुक ठीक है। मैथ की बुक ओपन किया आप लोगों ने, पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर टू ठीक है। काउंटिंग रीड एंड राइट, ओ एन ई वन दी गई है आपको पेज नंबर टू पे और थ्री पे, वन से लेके टेन तक नंबर्स में और स्पेलिंग में दी गई है, इन वर्ड्स में भी दी गई है और नंबर में भी दी गई है। वन ओ एन ई वन, टू टी डब्ल्यू ओ टू, थ्री थ्री एच आर डबल ई थ्री, वन से लेके टेन तक आपको इनवर्स काउंटिंग दी गई है ठीक है। आपने इसको एज इट इज नीचे लिखना है ठीक है, इसके ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, वन ओ एन ई वन ठीक है। तो आपने देखना है साथ में पिक्चर वन दी गई है, तो नंबर में वन दिया गया और इसके इनवर्स क्या है, ओ एन ई वन ठीक है। इसी तरह टू की भी दी गई है, टू टी डब्ल्यू ओ टू, थ्री थ्री एच आर डबल ई थ्री, फोर एफ ओ यू आर फोर, फाइव एफ आई वी ई फाइव, सिक्स एस आई एक्स सिक्स, सेवन एस ई वी ई एन सेवन, एट ई आई जी एस टी एट, एन नाइन एन आई एन ई नाइन, टेन टी ई एन टेन ठीक है। वन से लेके टेन तक आपको नंबर के साथ इनवर्स काउंटिंग दी गई है, ये आपने यहाँ पे फेयर करनी है, बुक के अंदर काम करना है और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कॉपीज पे भी करनी है ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाए पेज नंबर फोर पे, तो मैचिंग करनी है हमें। यहाँ मैंने नंबर दे दिए हैं ठीक है, और यहाँ उनकी इनवर्स काउंटिंग दे दी है, इनवर्स में दे दिए नंबर। अब हमें नंबर, अब देखिए फोर है ना, तो फोर हमें ढूंढना है इस बलून में, फोर की स्पेलिंग का है, जी हाँ, तो हमने फोर को
नंबर को इन्वर्ट से उसकी स्पेलिंग से मिला दिया। इसी तरह सेविन है, तो अब हमें देखना है कि सेविन कहाँ है, सेविन को हमने ढूंढना है। तो जी हाँ, सेविन तो ये रहा, तो सेविन को हमने इससे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइन। अब हमें नाइन की स्पेलिंग देखनी कहाँ है, जी ये री, NINE 9, तो नाइन को हमने इससे मिला दिया। उसके बाद क्या है, थ्री, थ्री की स्पेलिंग जी TH RE 3, थ्री को हमने स्पेलिंग से मिला दिया। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो जीरो की स्पेलिंग कौन सी, ZERO 0, तो जी जीरो को हमने जीरो से मिला दिया। उसके बाद फाइव, अब हमें फाइव की स्पेलिंग ढूंढनी, जी ये FIVE 5, तो फाइव को हमने मिला दिया फाइव से, ठीक है। उसके बाद सिक्स, जी सिक्स स्पेलिंग ये रही SIX 6, तो सिक्स की हमने स्पेलिंग को सिक्स से मिला दिया। अब बाकी कौन सा बचा, नंबर टू, तो जी टू है ये TWO 2, तो टू को हमने टू से मिला दिया, जी बिल्कुल। ये तो हमने कर लिया। अब नीचे आ जाए, राइट द नंबर नेम्स, नंबर नेम, ये नंबर दिए हैं उनके नेम्स लिखते हैं, मतलब इनवर्स लिखते हैं उनकी। अब जैसे टू दिया हुआ है, तो TWO 2 तो लिखा हुआ है इन्होंने, अब उससे नीचे क्या है, फोर, तो आप क्या लिखेंगे, FOUR 4, सिक्स की SIX 6, EIGHTA 3, THRE 3, ONE 1, FIVE 5, SEVEN 7, NINE 9, TEN 10, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया ऐसे काम। आप लोगों ने इस काम को इस बुक में इसका फेयर करना है जैसे मैंने किया है, ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप लोग अलग से कॉपीज में करेंगे, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा।